A very good morning, everyone. I am back again with the next lecture right here on my channel, which is Teacher Cool. We are doing classical mechanics, and in the previous lectures, we did the basics of classical mechanics, the basic conservation laws, basic terms, basic expressions. So moving forward, now what we'll do is, in the previous lectures, first we did the angular conservation of a single particle, then we generalized it for the ith particle in a n system of particles. Now in today's lecture, what we'll do is we'll do the conservation of angular momentum of n particle system in terms of center of mass, which is conservation of angular momentum of system of n particles in terms of center of mass. So today we'll be doing this one of the last topics of our first unit, and with this we'll be completing the first unit of our syllabus for the BSc first year. And this is the conservation of angular momentum of system of, now we have a system which has total of n particles, and we'll conserve the angular momentum in terms of center mass. और अगर जनरलाइज भाषा में बोलें तो हम बोलेंगे कि आज हम जो एंगुलर कंजर्वेशन के लिए जो एक्सप्रेशन निकालेंगे, जो भी एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, वो होगा सेंटर ऑफ मास के लिए. सेंटर ऑफ मास हमें बताएगा कि कैसे मेरे सिस्टम का एज अ होल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा. तो आगे चलते हैं. सबसे पहले आती जो भी मैंने ये बोला कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इस केस में इसकी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है. वो स्टेटमेंट क्या है? सो इट सेज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ n particles about some reference point is equal to the sum of angular momentum of the center of mass about the same reference point and total angular momentum of motion about the center of mass. So इसका मतलब है द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स. अगर मेरे पास कोई सिस्टम है जिसके अंदर एन पार्टिकल्स है, तो उस पूरे सिस्टम का जो भी टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो दो चीज़ों के सम के बराबर होगा. और वो दो चीज़ें क्या होंगी? पहली चीज़ होगी सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट द सेम रेफरेंस पॉइंट. जो भी हम एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट
एंगुलर मोमेंटम जो मेरे सेंटर ऑफ मास का होगा, एंड दूसरी चीज़ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास. एक तो सेम रेफरेंस पॉइंट के अलोंग जो मेरा सेंटर ऑफ मास मूव करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम, प्लस सेंटर ऑफ मास मेरा जहाँ है उसके अलोंग जितनी भी एंगुलर मोमेंटम होगी, उन दोनों के सम को जब हम ऐड करते हैं तो मेरे सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम निकल के आता है. अब इस चीज़ को हम करेंगे मैथमेटिकली. अब मैथमेटिकली करने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, डायग्राम्स. तो डायग्राम्स के लिए सबसे पहले अगर मैं ड्रॉ करूँ, दिस इज़ माई वाई एक्सिस, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, राइट. अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर प्लॉट करूँगी एक पॉइंट विच इज़ दी आयत पार्टिकल, विच इज वॉट माई रेफरेंस पॉइंट. सेकेंड इज माई सेंटर ऑफ मास अबाउट विच मेरे को मेरा पूरा टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है. अब इनको ज्वाइन करते हैं. सबसे पहले दिस इज द ओरिजिन, राइट. तो ओरिजिन से आयत पार्टिकल का जो वेक्टर निकलेगा वो क्या होगा, आर आई वेक्टर, राइट. ओरिजिन से जो सेंटर ऑफ मास का वेक्टर निकलेगा उसको मैं क्या बोलूंगी, हमने पहले भी बोला है, दिस विल बी द कैपिटल आर वेक्टर. अब आयत पार्टिकल से जो मेरा सेंटर ऑफ मास को वेक्टर जाएगा उसको मैं नाम देती हूँ आर आई डैश वेक्टर. क्लियर है. मैंने तीन वेक्टर्स लिए हैं. फर्स्ट इज द आर आई वेक्टर विच इज माई रेफरेंस पॉइंट आयत पार्टिकल का. फिर मैंने लिया है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर और उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए. अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक बार इसको जनरलाइज कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं. तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, हमने वेक्टर लॉ पढ़ा है पुरानी क्लासेस के अंदर, 11th 12th के अंदर. तो वेक्टर सम हमें क्या बोलता है, अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो हम बोलते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो एक लाइन में अलाइन है और जो थर्ड वेक्टर है वो उसके सम के बराबर होगा. तो सिमिलरली अगर मैं देखूं कैपिटल आर वेक्टर जा रहा है 0 to सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से आयत पार्टिकल की तरफ को मैं जा रही हूँ आर आई डैश वेक्टर, ये दोनों अलाइन है तो इन दोनों का सम होगा, प्लस आर आई डैश वेक्टर विल बी इक्वल टू व्हाट द डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ आयत पार्टिकल विच इज आर आई वेक्टर, राइट. मेरे पास ये रिलेशन है, ठीक है, जहाँ पे कैपिटल आर जो है वो मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है. अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँ, राइट, व्हाट आई विल डू इज आई विल टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा, डी कैपिटल आर वेक्टर बाय डीटी प्लस डी आर आई डैश वेक्टर डिवाइडेड बाय डीटी विल बी इक्वल्स टू डी आर आई वेक्टर बाय डीटी, राइट. नॉर्मल है, एडिशन है, डेरिवेटिव्स विल डिस्ट्रीब्यूट. अब डी आर बाय डीटी क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव है, तो आई विल राइट जस्ट द वी वेक्टर विच इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लस डी आर आई डैश है तो सेंटर ऑफ मास से वाले वेक्टर का वी आई डैश वेक्टर एंड इट विल बी इक्वल्स टू वी आई वेक्टर. क्लियर है, ये मेरा सम आ रहा है. अब हमने क्या पढ़ा था, हमने बोला था एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू एल वेक्टर, एल वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर.
अभी हम एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो आई राइट एल आई इज आर आई प्लस पी आई वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? हमने जस्ट डेरिवेटिव लिया है, उसके बाद हम एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। इसके अंदर अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस एक्सप्रेशन के अंदर आर आई को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, इन दोनों का सम। पी आई को हम लिखेंगे मास इनटू वेलोसिटी के टर्म्स में सबसे पहले। तो आई विल जस्ट, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ सो दैट मिक्सिंग ना हो, तो मेरे पास आएगा एल आई वेक्टर इज इक्वल्स टू आर आई वेक्टर की जगह पे ये दोनों चीज़ें, विच इज आर वेक्टर प्लस आर आई डैश वेक्टर क्रॉस एम आई वेक्टर इनटू वी आई वेक्टर, राइट? एंड दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। वी आई वेक्टर की जगह पे मैं ये दोनों पुट कर सकती हूँ, राइट? तो ये आ जाएगा आर वेक्टर प्लस आर आई डैश वेक्टर क्रॉस एम आई इंटू वी वेक्टर प्लस वी आई डैश वेक्टर, यही आएगा। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है बट क्रॉस प्रोडक्ट है, तो नॉर्मल जैसे ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एम आई का कोई खास रोल नहीं रहेगा। एम आई बीइंग अ कॉन्स्टेंट एंड नॉट अ वेक्टर,